नमस्कार छात्राओं, आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में हम लोग आधुनिक काल की परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। हमने राजनीतिक सामाजिक स्थितियों के बारे में, आर्थिक स्थितियों के बारे में चर्चा की थी, भ्रष्टाचारी शासन नीति के बारे में और असंतोष का उदय। ये ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने आधुनिक काल को जन्म दिया था। हमने जब पिछली कक्षा में भ्रष्टाचारी शासन नीति के बारे में चर्चा की थी और आज हम इससे आगे बढ़ते हुए आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक स्थिति तत्कालीन समय की ऐसी थी कि अंग्रेज व्यापारी जो थे वे धन लोभी थे, भारत की संपत्ति को अपने देश ले जाना चाहते थे और उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों को भी नष्ट कर दिया था। भारत को इंग्लैंड पर वे निर्भर बनाना चाहते थे। भारतेंदु जैसे जागृत साहित्य सेवी इस तथ्य से परिचित थे, इसलिए उन्होंने लिखा ही था, अंग्रेज राज सुखसाज सबे सब भारी, पे धन विदेश चले जाते यही अतिक्वारी। अर्थात कि अंग्रेज जो है वो यहाँ पर शासन तो कर ही रहे हैं, लेकिन शासन करने के साथ साथ वो भारत को निर्धन बना देना चाहते हैं, इसलिए यहाँ का सारा कच्चा माल वो यहाँ से बाहर भेज देना चाहते हैं और भारत को निर्धन बना देना चाहते हैं। और इसके कारण भारतेंदु ने जो लिखा था वो इसीलिए लिखा था कि अंग्रेजों का शासन तो हमारे ऊपर भारी था ही, लेकिन भारतीय धन जो था वो भी विदेश चला जाता था, ये मन में बहुत पीड़ा देता था और यही कष्ट उत्पन्न करता था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि छात्राओं, अंग्रेजों ने जो भेदभाव वाली नीति अपनाई थी, वो उनकी जो नीति थी वो अत्याचारी नीति भी थी, और इसी के कारण हम देखते हैं कि तत्कालीन समय का जो समाज था वो बहुत असंतुष्ट था और अंदर ही अंदर वह समाज क्रांति की योजना बनाने लगा था और अंग्रेजों से भारतीय समाज मुक्त होना चाहता था। ऐसी स्थिति को देख करके रानी विक्टोरिया ने कुछ सुधार करने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने शासन व्यवस्था में कुछ सुधार किया और जिससे भारतीयों को थोड़ी राहत की अनुभूति होने लगी थी। और लेकिन हम देखते हैं कि कूटनीति के होने के साथ साथ रानी विक्टोरिया तत्कालीन समय की स्थितियों को देख रही थी और वो समझ भी रही थी कि अगर यही स्थितियां रही तो भारतीय समाज क्रांति कर सकता है और हमें यहाँ से जाना पड़ सकता है। इसलिए उसने कूटनीतिक चाल को चलते हुए तत्कालीन शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया और यह परिवर्तन जो था वो दिखावा मात्र था, जो सुधार की जो स्थितियां थी वो मात्र दिखावा थी। इस प्रकार धीरे धीरे भारतीय आर्थिक व्यवस्था भी निम्न स्तर तक पहुंचने लगी थी और इसी का प्रभाव था कि अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित करने लगे थे। हम बात कर रहे थे भारतीय आर्थिक व्यवस्था की, लेकिन हम इससे आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि सामाजिक स्थिति भी तत्कालीन समय में बहुत अच्छी नहीं थी। अंग्रेज इस देश में एक ऐसी जीवन पद्धति को लेकर आए थे जो जीवन दर्शन और संस्कृति जो भारतीयों के लिए नितांत भिन्न और नवीन थी। यह मूलतः व्यापारी संस्कृति थी जो बाह्य प्रदर्शन और छल छद्म पर आधारित थी। अपनी संस्कृति को वो भारतीय संस्कृति में स्थापित कर देना चाहते थे और लोगों को भारतीय संस्कृति से बहुत दूर ले जाना चाहते थे, ये उनकी कूटनीतिक चाल थी। पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव था वो दो रूपों में हमारे यहाँ पर पड़ा, अनुकूल और प्रतिकूल। राजा राम मोहन राय ने इससे प्रभावित होकर सुधारवादी आंदोलन को अपनाया, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, रहन सहन आदि को बदलने का बीड़ा उठाया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि धीरे धीरे भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति हावी होने लगी और उन्होंने उससे किनारा करना प्रारंभ किया, क्योंकि तत्कालीन समय में अंग्रेज जो शासन यहाँ पर कर रहे थे, जो अंग्रेज जो यहाँ पर रह रहे थे, वे लोग भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को हेय दृष्टि से देखने लगे थे। वे लोगों में ये भ्रम फैलाना चाहते थे कि भारतीय संस्कृति निम्न स्तर की संस्कृति है और अगर आप लोग अंग्रेजी संस्कृति अर्थात पाश्चात्य संस्कृति को अपना लेते हैं तो आप लोग बहुत जल्दी उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके प्रतिकूल रूप में हम देखते हैं कि ऐसी संस्थाओं का उदय हुआ जो भारतीय विचारधारा, धर्म, संस्कृति, जीवन पद्धति के उन्नयन और प्रसार का उद्देश्य लेकर आई थी। इनका मूल राष्ट्रप्रेम
इनका मूल जो था वो क्या था, राष्ट्रप्रेम था। तत्कालीन समय में हम देखते हैं कि बहुत से सुधारक थे जिनमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ इत्यादि ने पाश्चात्य समाज के समक्ष भारतीय विचारधारा और आध्यात्मिक ज्ञान का स्वस्थ उन्नत जन उपयोगी रूप प्रस्तुत कर इसका प्रचार प्रसार किया। इन संस्थाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे समाज में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जो धीरे धीरे व्याप्त होने लगा था वो इन संस्थाओं के उदय के साथ ही समाप्त होने लगा था। इन संस्थाओं का प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर भी पड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर भारतीय समाज, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक आदर्शवादी आंदोलनों को जन्म दिया, जिससे जुड़कर भारतीय जनता ने इसको सफल बनाया। इन आंदोलनों ने देश में ऐसी राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न किया जो भारत और भारतीयता की कट्टर समर्थक और अंग्रेजी विचारधारा की विरोधी थी। हमारे यहाँ पर जितने भी समाज सुधारक हुए थे उन्होंने भारतीय संस्कृति के धर्म को, उसके स्वरूप को लोगों के सामने रखा, उजागर किया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि लोगों पर से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा और अंग्रेजों को लगने लगा था कि अगर यही स्थिति रही तो हमारा प्रभाव और हमारा व्यापार दोनों ही नष्ट हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने और अधिक चालों को चलना प्रारंभ किया। तो छात्राओं, हम बात कर रहे थे आधुनिक काल में की जो परिस्थितियां थी, जिन परिस्थितियों के स्वरूप साहित्य ने समाज में आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो या राजनीतिक स्थिति हो, इन सबको प्रभावित किया और आधुनिक काल के रूप में जन्म लिया। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे अगली कक्षा में मैं आप लोगों को फिर विभिन्न स्थितियों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद। नमस्कार।